Step one, wake up early, gonna rise with the sun. Step two, get some good, some food in you. Step three, think real hard about what you wanna be. Step four, fuck everybody, just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 जी हमने मरी को खैर बात कह दिया, नाश्ता वगैरह कर लिया है और तकरीबन आधा घंटा हम यहाँ पर रुके हैं, आधा घंटा या 40 मिनट। अभी आगे मुजफ्फराबाद की तरफ हम निकल पड़े हैं। सर्दी काफ़ी लग रही है, जहाँ छाँव है वहाँ तो काफ़ी ज़्यादा लग रही है। मुजफ्फराबाद यहाँ से 70 किलोमीटर है और उससे पहले आएगा कोहाला 35 किलोमीटर। कोहाला पर हम रुकेंगे, वहाँ पर कोहाला ब्रिज है एक, तो वो देखेंगे हम लोग। उसके बाद आगे अपना सफ़र इसी तरह जारी रखेंगे और आप लोग भी इंजॉय कर रहे हैं, अच्छा लग रहे हैं व्यूज़ वगैरह सीन्स आप लोगों को, आई होप अच्छे लग रहे होंगे। बड़ी सर्दी है यहाँ पर, मतलब छाँव में तो कुछ ज़्यादा ही सर्दी लगने लग जाती है। बाकी अब सिंगल रोड आ गया, पहले हम डबल रोड से आ रहे थे, अब आगे सिंगल रोड ही जाएगा, तो सिंगल रोड में थोड़ा सा और केयरफुली ड्राइव करें। नाश्ता हम लोगों ने कर लिया, एक तरह से खाना ही खा लिया क्योंकि 12 बज गए थे, 12 बजे अभी किया है। ये आए हैं रोड के बिल्कुल साथ ही, बड़ी ही प्यारी सी जगह, मैंने कहा यहाँ पर वीडियो बना लो, थोड़ा सा आपको व्यू दिखाऊँ। बड़ा ही प्यारा व्यू है, दरख्त वगैरह आप लोग देख रहे हैं, ग्रीनरी घास। लेकिन ये जो यहाँ लोग ये जो काम करके जाते हैं ना, देखें कितनी प्यारी जगह को कैसे अपना जो खा लेते हैं और सामान सारा इधर फेंक जाते हैं, ये बड़ी बुरी बात है। खा लेते हैं और अपना सारा सामान इधर फेंक जाते हैं, भाई उसे किसी शॉपर में बांध दो, किसी जगह जहाँ बास्केट वगैरह वहाँ फेंक दो, या अपने साथ कैरी कर ले कहीं और जाकर फेंक दें। तो बस यही बुरी आदत है हम लोगों की। बाकी देखें माहौल, ये एक छोटी सी वैली आई है, उसमें से हम लोग गुजर रहे हैं। उसका नाम पीछे लिखा हुआ था, मैं भूल गया हूँ। यहाँ काफ़ी रश है इस टाइम, स्कूल की छुट्टी का टाइम भी है, तो इस तरह करके काफ़ी सारी स्कूल वैन्स वगैरह भी आ जा रही हैं, तो इसलिए काफ़ी रश है यहाँ पर। अलियूट मरी इसका नाम है, अलियूट मरी, ये जो वैली पीछे बिना गुजर के गया है इसका। बाकी अभी हम तकरीबन 40-45 किलोमीटर पीछे हैं मुजफ्फराबाद से, अभी जो ज़्यादा फास्ट नहीं ड्राइव कर रहे, बड़े सुकून से जा रहे हैं 30-40 की स्पीड से इंजॉय करते हुए। सर्दी भी काफ़ी लग रही है, छाँव में तो कुछ ज़्यादा ही सर्दी लग रही है, जहाँ पर सूरज नहीं पड़ रहा। आपकी मुजफ्फराबाद अभी 60 किलोमीटर रहता है, 60 किलोमीटर अभी और करना है हम लोगों ने। अभी कोहाला ब्रिज है आगे तकरीबन 8-10 किलोमीटर के फासले पर, उससे थोड़ा सा पीछे रुके हैं चाय पीने के लिए। ये एक होटल है पीछे, बड़ा प्यारा पुरानी होटल है, यहाँ पर रुके हैं। यहाँ से हम लोग अभी चाय पियेंगे और आप लोगों को थोड़ा सा व्यू दिखाता हूँ, थोड़ा 5 मिनट रेस्ट करते हैं, कोई तकरीबन घंटा हो गया ड्राइव करते हुए। और रास्ते में चाय मैं देख रहा था, कोई अच्छा सा व्यू हो जहाँ से हम लोग चाय पिए, तो ये जगह
यहाँ से पीछे बड़ा व्यू आ रहा है, यहाँ से हम चाय पीते हैं। ये जगह कोहाला ब्रिज से थोड़ा सा पीछे है, 8-10 किलोमीटर, और ये सामने होटल है। ये इस साइड पर कुर्सियाँ पड़ी हुई थी, इधर आकर हम लोग बैठ गए हैं। और सामने ज़रा चेक करें व्यू, यहाँ पर बिल्कुल दरख्त वगैरह नहीं है, सूरज सीधा पड़ रहा है। और अब थोड़ा सा ना मज़ा आ रहा है, सुकून मिल रहा है, वरना जहाँ पर दरख्त था वहाँ बड़ी ठंड लग रही थी। और सामने ऊपर तक घर बने हुए हैं, और दूसरा बादल बिल्कुल भी नहीं है, और बादल अगर होते तो फिर सर्दी और ज़्यादा हो जानी थी। तो अभी बस यहाँ पर बैठते हैं और चाय पीते हैं हम लोग। शुक्रिया जी, चाय आ गया हमारी, और साथ मैंने बिस्कुट मंगवाए हैं। मैंने कहा चलो एक दो खा लेते हैं, थोड़ा सा भूख लग गई है, फिर अभी खाते हैं। Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I could feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. अभी हम लोग इस टाइम पहुंच गए हैं जी कोहाला ब्रिज पर। लेफ्ट साइड पे आप लोग देख रहे हैं, पीछे है जेहलम रिवर, और इस ये है कोहाला ब्रिज। ये सामने ब्रिज नज़र आ रहा है, ये है कोहाला ब्रिज, और ये सामने जो हमें रिवर नज़र आ रहा है ये है जेहलम रिवर। और यहाँ पर इन्होंने बैठने का इंतज़ाम किया हुआ है, बड़ा अच्छा एनवायरनमेंट बनाया हुआ है। अभी मैं आपको एक साइड से दिखाता हूँ, थोड़ा सा जाकर नीचे पानी का शोर आप लोग चेक कर रहे हैं। जी कोहाला ब्रिज को गुड बाय कहते हैं। आई होप आप लोगों को कोहाला ब्रिज और यहाँ का जो व्यूज़ मैंने कुछ वीडियोस बनाई हैं अच्छी लगी होंगी। तो अभी आगे चलते हैं, अपना जो सफ़र है वो स्टार्ट रखते हैं, काफ़ी टाइम हो गया है। कोहाला ब्रिज हम लोगों ने देख लिया, ब्रिज के ऊपर से हम गुजरेंगे। फर्स्ट टाइम इस तरफ जा रहे हैं कश्मीर वाली साइड पर, पहली दफ़ा मैं जा रहा हूँ, पहला एक्सपीरियंस है जो भी है। ये है जी कोहाला ब्रिज, जिसके अभी हम नीचे थे, अब हम इसके ऊपर से जा रहे हैं, और नीचे दरियाए जहलम बहता हुआ खूबसूरत। अभी हम लोग मुजफ्फराबाद की तरफ रवाना हुए हैं, और हमारे साथ साथ दरियाए जहलम जा रहा है। पता नहीं कब तक हमारा साथ देगा दरियाए जहलम, तो देखते हैं आगे। फर्स्ट टाइम हम लोग जा रहे हैं कश्मीर वाली साइड पर, सही मज़ा आ रहा है, इंजॉय कर रहे हैं माउंटेन्स और रिवर साथ साथ। काफ़ी शोर था इस पानी का जब नीचे थे हम लोग, अभी ऊपर से तो आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही। तकरीबन अभी 30 किलोमीटर रहता है मुजफ्फराबाद, तो मुजफ्फराबाद पहुँचते हैं। तो अभी यहाँ से हम लोग गुजर रहे हैं, मुजफ्फराबाद 33 किलोमीटर है, और आगे आएगा 76 क्लास, वो 13 किलोमीटर पीछे लिखा हुआ है। तो पहली दफ़ा देख रहे हैं सारे जो छोटी छोटी वैलीज आएंगी, वो फर्स्ट टाइम हम लोग देखेंगे, और आप लोगों को भी मैं दिखा रहा हूँ। वेलकम टू कश्मीर, आप सब लोगों को वेलकम कश्मीर में। ये जा रहे हैं जी कोई बाइकर, बड़े हैवी बाइक लेकर जा रहे हैं, ट्रिप पर ही जा रहे होंगे कहीं आगे। आगे आ गया जी मुजफ्फराबाद, जहलम वैली, नीलम वैली, एबटाबाद, मानसहरा, कागान, अरान।
ये है जी कलियां वैली, कलियां लिखा हुआ था पीछे, तो कलियां वैली है छोटी सी, उसमें से हम लोग अभी गुजर रहे हैं। ये साथ साथ हमारे दरियाए जहलम हमारे साथ साथ ही जा रहा है। जैसे वहाँ नारायण वाली साइड पे हम जाते हैं तो साथ साथ दरियाए कुंभार जाता है, बिल्कुल उसी तरह हमारे साथ साथ दरियाए जहलम जा रहा है। सामने लैंड स्लाइडिंग हुई हुई है, उसको क्लियर कर रहे हैं, बिल्कुल सामने वो नज़र आ रहा होगा। ट्रैफिक खड़ी है वैसे ही, तो अभी ये मेरे पीछे देख रहे हैं व्यू आप लोग, बहुत ही प्यारा व्यू है। अभी ये आ रही है कार केबल, इसके ऊपर बैठकर हम लोग जाएंगे उधर, जाकर आप लोगों को कश्मीर आबशार दिखाता हूँ। ये मुजफ्फराबाद से थोड़ा सा ही पीछे है, 15 किलोमीटर है मेरा ख्याल पीछे, तो अभी ये आ गई है, इसमें हम लोग बैठ कर चलते हैं आगे। जी इसमें बैठ गए हैं हम, आप अपनी देर व्यू चेक करें। बड़ी ठंडी हवा आ रही है ऊपर से, बहुत ही ठंडी हवा। ये पहुंच गए हैं जी हम आगे, दरवाजा खोलते हैं बाहर निकलते हैं। इसके ऊपर से दरियाए जहलम के काफ़ी प्यारा पिकनिक पॉइंट है, आगे जाते हैं और देखते हैं व्यू आबशार का। कश्मीर आबशार वगैरह यहाँ पर भी आई हुई हैं, एक अच्छा पिकनिक पॉइंट है ये भी। चलते हैं आबशार के पास, आप लोगों को जाकर दिखाता हूँ। कुर्सियाँ वगैरह चारपाई वगैरह पड़ी हुई हैं, यहाँ पर आकर बैठें, यहाँ पर इंजॉय करें। बाकी ये आबशार से पानी आ रहा है, अभी मैं ऊपर जाकर आप लोगों को आबशार भी दिखाता हूँ। थोड़ा सा शोर है यहाँ पानी की वजह से, लेकिन हम वीडियो बनाते हैं और आप लोगों को दिखाता हूँ। Silhouettes of you are like a taunt, never really know just what you want. With you I don't ever feel calm, I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string, you don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings, you don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more. बड़ा ही प्यारा व्यू है पीछे आप लोग देख रहे हैं। अभी तकरीबन आधा घंटा हो गया हम यहीं पर हैं, चाय का क्या है, चाय पीते हैं, चाय पीकर थोड़ी देर यहाँ पर इंजॉय करते हैं, फिर आगे मुजफ्फराबाद, यहाँ से तकरीबन 15 किलोमीटर है तो मुजफ्फराबाद जाएंगे फिर हम लोग, और वहीं पर हम लोग स्टे करेंगे। लें जी कश्मीर आबशार से अब हम लोग चाय पी रहे हैं, चाय पीते हैं और फिर आगे अपना सफ़र जो है वो स्टार्ट करेंगे। अभी हम लोग इधर पहुंच चुके हैं मुजफ्फराबाद में, ये सामने बड़ा ही प्यारा सा चौक है छत्तर चौक, और उधर सामने लाइटिंग वगैरह की हुई है, वो भी बड़ा बैठने का पार्क का पार्क टाइप माहौल बनाया हुआ है बैठने के लिए। अभी हम इधर से देखते हैं कोई रूम वगैरह। अभी हम लोग पहुंच गए हैं अपने रूम में, बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए व्लॉग बनाया, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो सब्सक्राइब करना तो बनता है, अपने फ्रेंड वगैरह के साथ शेयर करें, कमेंट करें जो भी आप लोगों को अच्छा लगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।